अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ, क्लास है 6, लेक्चर नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो क्या है, रेशियो की डेफिनेशन देखते हैं। रेशियो अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, यानी कि जब हम दो सेम क्वांटिटीज, दो एक जैसे मिकदार को कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेशियो। अब हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी कोई सी दो क्वांटिटीज हैं, यानी कि ए और बी कोई सी भी हमारे पास दो सेम क्वांटिटीज हैं, तो यहां पे ए को हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और बी को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। ये हो गया। और अब यहां पे आपने देखना है कि रेशियो का साइन ये होता है, जो दो हम डॉट्स डालते हैं ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं रेशियो का साइन। अब हम इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। वन वीक टू वीक्स नाइन डेज। इंपॉर्टेंट बात देखनी है वो क्या है कि रेशियो में हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अब हम इसको लिखते हैं रेशियो में, वन वीक रेशियो टू वीक्स रेशियो नाइन डेज। अब देखें क्या हमारे यूनिट सेम है, नहीं, ये हमारे पास वन वीक है, ये टू वीक्स है, ये नाइन डेज है। जब यूनिट्स डिफरेंट होंगी तो हम रेशियो को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यूनिट्स को हम पहले सेम करेंगे वन वीक, तो यहां हम यूनिट को ऐसे सेम करेंगे कि वन वीक में कितने डेज हैं, 7 डेज, टू वीक्स में कितने डेज हैं, 14 डेज, तो फिर ये यूनिट हमारी सेम हो जाएंगी। वन वीक में 7 डेज हो गए, टू वीक्स में 14 डेज हो गए और 9 डेज। अब जब हमारी यूनिट्स सेम हो गई है तो फिर हम रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज देखें 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। हमने इनको रेशियो फॉर्म में लिखना है, ये हमें किसमें दिए गए हैं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हमें दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको हमने लिखना है रेशियो फॉर्म में। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 1/4 ये हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हमने लिखना है रेशियो में, तो 1:4। अब यहां पे आपने ये बात याद रखनी है, फ्रैक्शन में हम इस 1 को, जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, जो न्यूमिरेटर होगा वो बन जाएगा एंटीसीडेंट, जो डिनोमिनेटर होगा वो बन जाएगा कंसीक्वेंट। ये हमारी रेशियो फॉर्म आ जाएगी। अब जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2:3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हमें रेशियो में दिया गया है, हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। आगे समझ, बिल्कुल उसी तरह जो 2 है, यानी कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या बन जाएगा, न्यूमिरेटर, और जो कंसीक्वेंट है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। और ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा जो रेशियो है उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हमने सिंपलीफाई करना है रेशियो को, तो रेशियो को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, यानी कि इसकी सादा फॉर्म कैसे बनाएंगे, 25:45।
इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आप याद रखें, हमेशा जब रेशियो को हमने सॉल्व करना होगा, इसको सिंपलीफाई करना होगा, तो हमने देखना है कि क्या दोनों पे सेम टेबल जा रहा है। 5 5 5 5 9 45 5 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
सकते। तो अगर आप देखते जाएंगे, अगर मजीद ये सॉल्व होते जाएंगे, इन पे सेम टेबल जाता जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके भी बाकी क्वेश्चन आपने इसी तरीके से कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका पार्ट टू देखें। 1/4 ratio 1/6। अब फ्रैक्शन में आ गया है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने ये बात बच्चों याद रखनी है कि हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, तो वो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। एलसीएम हमारे पास आ गया 12। 12 को हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम को हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखेंगे क्या ये कैंसिल होते हैं, अगर कैंसिल हो रहे होंगे तो इनको कैंसिल कर देंगे। 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12। 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 ratio 2। अब मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये बाकी क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट, ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने पहले इनको, इन क्वांटिटीज को रेशियो में लिखना है और फिर इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है, यानी कि इनको आगे से मजीद हल करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4,
रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 24:240। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से बिल्कुल कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि दोनों में देखेंगे कि सेम टेबल जाता है या नहीं जाता। 83 या 24 और 83 या 240, 33 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया 8 और 80। 2 4 8 42 80, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 2 4 22 40, फिर हमारे पास रह गए 2:20, 2 1 2 और 2 1 2 2 10 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1:10। आज बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।